हेलो फ्रेंड्स, यह इंडसइंड बैंक का 6 महीने का चार्ट। इंडसइंड बैंक काफी ऊपर गया था जब भी बैंक शेयर्स चले थे और 700 के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन फिर तेजी से नीचे भी आ गया। इंडसइंड का जहां पे कंसोलिडेशन हुआ था पिछले ये काफी दिनों तक, 2 महीने में, ये देखे 11 जून से 25 अगस्त, यानी कि 2 महीने में ये इतनी छोटी सी रेंज में शेयर घूमता था। जो रेंज थी 548 से नीचे 508 तक, 50 रुपए की रेंज में, तो अभी वो रेंज पर है। वो रेंज के 504 के लेवल्स के ऊपर ही है। अभी एग्जैक्टली 514 को क्लोज हुआ, तो वो सपोर्ट जोन में अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल का चार्ट देखें, जनवरी से चार्ट देखें, तो इंडसइंड बैंक 1500 के लेवल से नीचे आकर 300 के लेवल पर गया, लेकिन बाद में निफ्टी ने बढ़ना चालू किया, पर ये बैंक का शेयर नहीं बढ़ पाया क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंस शेयर में वीकनेस है। कोरोना के चलते बिजनेस डाउन है, जीडीपी ग्रोथ डाउन है, और लोग टाइम पर, सीधी बात है कि लोग टाइम पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो इसकी वजह से ये शेयर में वीकनेस है। और बाकी कोई भी बैंकिंग शेयर या फाइनेंस कंपनी का शेयर जो लोन देता है उसमें वीकनेस है। तो अभी हमने देखा कि 500 का जो सपोर्ट जोन है, अगर ये टूटता है तो शेयर काफी वीक हो जाएगा। फिर सपोर्ट जोन करीब 425 पर है। एक पॉसिबिलिटी है कि अगर निफ्टी ऊपर चलना चालू करता है और कुछ इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी आती है तो ये शेयर बढ़िया रहेगा। थैंक्स।